भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, उनका 91 साल की उम्र में कोरोना के चलते निधन हो गया। उन्होंने चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। मिल्खा सिंह से पहले उनकी पत्नी निर्मला मिल्खा सिंह ने भी इसी हफ्ते दुनिया को अलविदा कहा था। मिल्खा सिंह के जाने से न केवल खेल जगत बल्कि बॉलीवुड ने भी दुख जाहिर किया है। मिल्खा सिंह की बायोपिक में उनका किरदार निभाने वाले अभिनेता फरहान अख्तर ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख उन्हें याद किया। वह लिखते हैं, प्रिय मिल्खा जी, मेरा एक हिस्सा अभी भी यह मानने से इनकार कर रहा है कि आप नहीं रहे। हो सकता है कि यह वह जिद्दी पक्ष है जो मुझे आपसे विरासत में मिला है। वह पक्ष जब वह किसी चीज पर अपना मन लगाता है तो कभी हार नहीं मानता, और सच तो यह है कि आप हमेशा जीवित रहोगे क्योंकि आप एक बड़े दिल वाले, प्यार करने वाले, गर्मजोशी से भरे, जमीन से जुड़े इंसान से ज्यादा थे। आपने एक विचार का प्रतिनिधित्व किया, आपने एक सपने का प्रतिनिधित्व किया, आपने प्रतिनिधित्व किया कि कितनी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प किसी व्यक्ति को उसके घुटनों से उठाकर आसमान को छूने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपने हम सभी के जीवन को छुआ है। जो लोग आपको एक पिता और एक दोस्त के रूप में जानते हैं, उनके लिए यह एक आशीर्वाद था। उन लोगों के लिए जो प्रेरणा के निरंतर स्रोत और सफलता में विनम्रता के अनुस्मारक के रूप में नहीं थे, मैं आपको पूरे दिल से चाहता हूँ। फरहान के अलावा फ्लाइंग सिख के निधन पर शाहरुख खान, तापसी पन्नू, प्रियंका चोपड़ा और रवीना टंडन सहित अन्य बॉलीवुड सितारों ने भी दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। INS रिपोर्ट।